In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum, dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में अजाफा फरमाए. Dear students, today our topic of discussion is what is printer and its types. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रिंटर क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके सामने प्रिंटर को डिफ़ाइन करता हूं कि प्रिंटर क्या है. डियर स्टूडेंट, डेली लाइफ में आप प्रिंटर का यूज़ देखते हैं. आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, आपने कोई फ़ोटोकॉपी लेनी है, आपने कोई अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है, इसके अलावा आप डिफरेंट ऑफिसेस को देख सकते हैं, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं. आपके हर इंस्टीट्यूट में प्रिंटर का यूज़ होता है. तो आज हम इसी प्रिंटर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि प्रिंटर किसे कहते हैं. डियर स्टूडेंट, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है. प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस that is used to print character graphics or images on paper. It produces hard copy output. So dear students, printer kya hua? A printer is an output device that print characters, symbols and graphics on paper. The printed output is called hard copy. फिर जो प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलती है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दो तरह की आउटपुट होती हैं. हार्ड कॉपी मीन ऐसी आउटपुट जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं. और वो आउटपुट जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. तो वो आउटपुट जो प्रिंटर ने प्रोड्यूस करनी है उसे हम हार्ड कॉपी कहेंगे. प्रिंट रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच. डियर स्टूडेंट्स, प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन होती है इसको हम डॉट्स पर इंच पे मेजर करते हैं. इट्स मीन कि एक इंच के ऊपर जितने ज़्यादा डॉट्स प्रिंटर लगाएगा उतनी ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होगी. और हाई रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इमेज होगा उतना ही अच्छा और उतना ही क्लियर होगा. यानी जितनी DPI ज़्यादा होगी उतना ही इमेज आपका अच्छा और क्लियर होगा. तो डियर स्टूडेंट, ये होता है प्रिंटर. प्रिंटर की दो टाइप्स होती हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर. मैं वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि इंपैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं. इट प्रिंट कैरेक्टर्स और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर और सेट ऑफ पिन अगेंस्ट अ इंक रिबन. तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी डिफाइन को पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि इंपैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें कोई हैमर लाइक फोर्स यूज़ होती है, जिसमें पिंस का यूज़ हो रहा है अगेंस्ट इंक रिबन. डियर स्टूडेंट, हैमर किसे कहते हैं. हैमर मीन हथौड़ा, लाइक अ क्विक फोर्स, जिसमें कोई फोर्स का यूज़ हो उसे हम इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं. इट्स मीन कि जो हमने इंपैक्ट प्रिंटर से इमेज कोई भी जो गेट करना है उसमें फोर्स का यूज़ होगा. इसको हम इंक रिबन भी कह सकते हैं, जिसमें इंक रिबन का यूज़ होता है, पिंस का यूज़ होता है. आगे इसके भी फर्दर टाइप्स हैं. तो डियर स्टूडेंट, जो इंपैक्ट प्रिंटर है इस ये नॉइस प्रोड्यूस करता है. जब भी इसने इमेज को प्रोड्यूस करना है तो इसमें वर्किंग करेगा तो ये क्या होगा, इसमें नॉइस प्रोड्यूस होगा. सेकेंड थिंग इज़ डैट जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी भी ये प्रोड्यूस हो रही है. और ये लो कॉस्ट प्रिंटिंग जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होती है उधर आप यूज़ करते हैं. इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू बाकी प्रिंटर्स के. तो डियर स्टूडेंट, इसमें बहुत से प्रिंटर्स आते हैं. तीन मैंने टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की हैं इंपैक्ट प्रिंटर में. सबसे पहले है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके बाद है डेसीवील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर. आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इनकी डिटेल को डिस्कस करूंगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, डेसी व्हील प्रिंटर क्या होता है और लाइन प्रिंटर क्या होता है. डियर स्टूडेंट, इंपैक्ट प्रिंटर के बाद हम जो सेकंड टाइप है उसको डिस्कस करते हैं कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है. डियर स्टूडेंट, इंपैक्ट प्रिंटर के जैसे मैंने आपको बताया कि इंपैक्ट प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर इन विच हैमर लाइक फोर्स इज यूज टू प्रिंट अ कैरेक्टर इमेज और एनीथिंग. तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या हुआ, इट
It is a type of printer that print character graphic symbols without striking a board. यानी ऐसा printer जिसमें कोई force use नहीं हो रही, it print characters and graphics on paper without striking paper. यानी इसमें कोई force का use नहीं होगा, इसमें hammers का use नहीं होगा, इसमें pins का use नहीं होगा. इसमें क्या use होता है dear student? इसमें different technologies use होती है, इसमें laser technology use होती है, इसमें इंक जेट का यूज़ होता है, लाइक इंक को स्प्रे किया जाता है, तो इस तरह इसमें इमेज प्रोड्यूस होता है. लिए स्टूडेंट्स जो नॉन पैक्ड प्रिंटर होते हैं इनमें नॉइस भी प्रोड्यूस नहीं होता. इम्पैक्ट प्रिंटर में नॉइस प्रोड्यूस होता है जब वो प्रिंटिंग करते हैं, लेकिन जो नॉन पैक्ड प्रिंटर होते हैं इसमें नॉइस प्रोड्यूस नहीं होता, इसमें हाई क्वालिटी आपको इमेज गेट होता है. इसके अलावा ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है. डियर स्टूडेंट इसमें क्या क्या यूज़ होता है? इसमें स्प्रेइंग का यूज़ होता है, इसके अलावा हीट एंड प्रेशर को यूज़ किया जाता है किसी भी इमेज को क्रिएट करने के लिए. और इसकी भी जो रेजोल्यूशन है इसको भी हम डी पी आई में मेयर करते हैं डॉट्स पर इंच, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा होती है. इसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? इसमें लेज़र प्रिंटर आता है, इसमें इंक जेट प्रिंटर आता है और इसमें थर्मल प्रिंटर आता है. तो आने वाले लेक्चर्स में हम इनकी डिटेल को डिस्कस करेंगे कि ये जो डिटेल क्या है इन प्रिंटर्स की. डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि प्रिंटर क्या होता है और प्रिंटर की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं. मैंने आपको सामने उनको एक्सप्लेन किया. उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहा होगा. डियर स्टूडेंट्स अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा. अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.